Hello, myself Ramandeep Kaur and I am from IPHI. Hello, myself Rohan, I am from IPHI. Today we are going to discuss about how many types of bandages used in first aid. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हैंड बैंडेज के साथ। हैंड बैंडेज में अगर किसी के पाम एरिया पे कोई घाव बना है, कोई वुंड बना है, तो सबसे पहले उसको क्लीन किया जाएगा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर हम बीटाडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम स्पिरिट का इस्तेमाल करेंगे और इस एरिया को क्लीन करेंगे। जैसे कि इसके पाम एरिया पे ये घाव बना हुआ है, इस एरिया को हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करने के बाद ये जो डर्टी आपका गॉस पीस है इसको किडनी ट्रे में डिस्कार्ड कर देंगे। देन आप एक स्टराइल गॉस पीस लेंगे दोबारा और इस गॉस पीस को बीटाडीन में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो है बीटाडीन उसके अंदर मोप करके इसको घाव के ऊपर लगा देंगे। लगाने के बाद आपको बैंडेज की जरूरत पड़ेगी। आप हैंड पे बैंडेज कर रहे हो तो आपको 2 इंच या 3 इंच या 4 इंच की बैंडेज आप मैक्सिमम आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है पेशेंट के रिस्ट वाले साइड से। पहले उसके अगर उसने फुल स्लीव के कपड़े पहने तो आप उसको कवर करके ऊपर भी कर सकते हैं। रिस्ट से हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटिंग वे में। सर्कुलेटिंग वे में हमें रिस्ट से घुमाना है अपने बैंडेज को। देन पेशेंट के थंब एरिया वाले साइड से वापस जहाँ पे आपने वो गॉस पीस लगाया था उसको कवर करेंगे और इसी रोटेशन के साथ हम सर्कुलेटिंग वे में अपनी बैंडेज को आगे बढ़ाते रहेंगे। ध्यान देना है इसमें कि ये बैंडेज बहुत ज़्यादा टाइट ना हो पर बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर वहाँ ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पाएगी। अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो गई तो पेशेंट के एडिमा बन सकता है, यानी कि स्वेलिंग हो सकती है। फिंगर को इस तरीके से कवर करना है कि उनकी मूवमेंट भी बनी रहे। अच्छी तरीके से पाम वाला एरिया आपको कवर करना है कुछ इस ढंग से। देन जब पूरा हाथ कवर हो जाता है, हाथ को कवर करने के बाद आपको सीजर से अपनी बैंडेज का बाकी बचा हुआ हिस्सा हम कट कर लेंगे। देन हमें ज़रूरत पड़ेगी माइक्रोपोर की। माइक्रोपोर के लगाने के लिए आपको अपने हैंड ग्लव्स को रिमूव करना होगा। माइक्रोपोर एडहेसिव टेप का आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी बैंडेज की फिक्सेशन अच्छी रहे और ग्रिप बनी रहे। सो इस तरीके से आप अपने पेशेंट की पाम की हैंड बैंडेज कर सकते हैं। फोल्ड कर सकते हैं आप लास्ट के पार्ट्स को। डन। हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेड बैंडेज। हेड बैंडेज किस लिए यूज़ करते हैं? जैसे कि कोई इंजरी हो गई फोरहेड पे या हेड पे किसी भी पार्ट पे कोई इंजरी हो जाती है और ब्लीडिंग रुकने लग हो जाती है, तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, उसके लिए हम लोग हेड बैंडेज यूज़ करते हैं। जैसे कि हेड बैंडेज में क्या क्या सामान चाहिए हमें? गॉस पैड चाहिए होगा और बैंडेज चाहिए होगा, कॉटन चाहिए होगी साथ में, या फिर और साथ में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस भी चाहिए होंगे जिसके लिए हमें एरिया क्लीन करना है। और साथ में हमें सबसे पहले ग्लव्स पहनने हैं, जैसे कि मैंने पहने हुए हैं। इसको इसलिए पहनते हैं ताकि हम अपने आप को भी प्रिवेंट कर सकें कि कोई इन्फेक्शन वगैरह हमें ना हो। सबसे पहले हम लोग क्लीन कॉटन लेंगे, जैसे कि क्लीन कॉटन है, और इस क्लीन कॉटन से हम लोग पेशेंट का एरिया क्लीन करेंगे जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। और बहुत हल्के प्रेशर से, ऐसा नहीं कि हमें ज़्यादा प्रेशर देना है, तो ऐसे सर्कल राउंड में क्लॉकवाइज हम इसको क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद ये डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग गॉस पैड लेंगे। गॉस पैड लेने के बाद हम जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे रखेंगे और इन विद द हेल्प ऑफ पेशेंट को बोलेंगे कि यहाँ से आप थोड़ा सपोर्ट दे दीजिए ताकि वो गिरे ना। उसके बाद हम बैंडेज स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ इसको सेंटर में रखेंगे ऐसे, ठीक है। बैंडेज ऐसे रखने के बाद फिर हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट ऐसा करना है कि ज़्यादा टाइट भी ना हो और ज़्यादा लूज़ भी ना हो, बस थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे पड़ना चाहिए जिसकी हेल्प से ब्लीडिंग रुक जाए।
इसको पूरा कवर करके अच्छे से देखना है कि प्रेशर सही पड़ रहा है कि ब्लीडिंग, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाए। फिर इसके बाद जो ज़्यादा बैंडेज अगर है तो उसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हमें माइक्रोपोर टेप से उस एंड को फिक्स करना है, इसलिए फिक्स करना है ताकि कि वो लूज ना हो या फिर वो बैंडेज हट ना जाए।